नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित और स्वागत है आपका मेरे चैनल लैपटॉप गेमिंग। और दोस्तों, जो आज का टॉपिक है उसमें आपको कुछ टीवीज के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि नोकिया ने अभी नए टीवी अपने लॉन्च कर दिए हैं और रियलमी ने भी किए हैं, और दोनों को मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कितने इंचेस में किए हैं। और उसके बाद मैं आपको गूगल के बारे में बताऊंगा कि गूगल को ऑलरेडी फाइन लगा है $5 बिलियन का, और वो भी बताऊंगा कि किस लिए गूगल को ये फाइन लगा है। और जो मेरा और टॉपिक है, आपको जो एक कंट्रोवर्सी में ऐप चल रही है अपने मित्रों, उसके बारे में बताऊंगा। और एक और ऐप है रिमूव चाइना ऐप, और इसके बारे में बताऊंगा। तो ये सब बताने के लिए चलो मैं आपको ले चलता हूँ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, अभी आप मेरी लैपटॉप की होम स्क्रीन के ऊपर हो, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए, गूगल फेसेस $5 बिलियन लॉसूट इन US फॉर ट्रैकिंग प्राइवेट इंटरनेट यूज। इसमें क्या है कि आप जो भी इसमें गूगल के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है कि जो हमारे हम जो भी हम कुछ सर्च करते हैं तो उसके ऊपर वो ट्रैक करता है कि हम क्या करें क्या नहीं। तो ये बात तो सही है, ये सब कुछ को सबको पता कि ऑलरेडी गूगल ऐसा करता है, बट ये इसका मत इसमें क्या है मेन क्या है कि उसको जो $5 बिलियन उसको जो जुर्माना लगाया है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक इनकोमिनिटो ऐसा होता है, अपना हर एक ब्राउजर के अंदर होता है वो, ऑलमोस्ट हर एक के अंदर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे भी आप इनकोग्निटो पे जाएंगे तो इधर होगा, ये देखिए न्यू इनकोग्निटो विंडो। तो इसमें जाने पे क्या होता है कि जो भी आपको सर्च करेंगे तो जो ब्राउजर होता है तो वो दावा जो वो ऐसा दावा करता है कि जो भी आप इस पे सर्च करोगे कि हम उसको आपकी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखेंगे, हाइड रखेंगे। पर गूगल क्या करता था, अगर हम इसके ऊपर भी कुछ भी सर्च करते हैं इधर आके भी, तो फिर भी वो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है देख रहा था, वो ले रहा था, सब कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रख रहा था। तो ये मेन था, इसके लिए गूगल को जुर्माना हुआ है $5 बिलियन का। ओके, तो दूसरे नंबर पे जो अपडेट लेके आ रहा है वो है गूगल का, सॉरी नोकिया का। नोकिया ने ऑलरेडी अपना 43 इंच का एक स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है, तो ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो जल्दी ये फ्लिपकार्ट के अवेलेबल होगा। तो पहले इससे पहले इसने 55 इंच ऑलरेडी जो अल्ट्रा HD है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, तो वो ऑलरेडी मार्केट में है। तो अभी जो इसने नया लॉन्च किया है वो अपना इधर आप देख सकते हैं 43 इंच किया है इसने। तो ऑलरेडी एक रियलमी ने भी पहले यूज किया है 43 इंच का लॉन्च किया हुआ है, बट जो रियलमी का टीवी है वो 4K नहीं है, वो अपना फुल HD है। इसका रेजुलेशन देखेंगे तो इधर फुल HD आपको पिक्सल बताएगा। ओके, इधर तो जो नोकिया का है ये 4K है, तो 4K में आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा, जो आपके कलर हो गए अच्छे हो गए, बट फुल HD में भी आपको अच्छा है। अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों सही है, रियलमी भी सही है और नोकिया भी अपने हिसाब से सही है। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा शार्प कलर चाहिए, थोड़ा दिखने में अच्छा चाहिए, मतलब कि उसका क्लैरिटी, उसके कलर्स, उसके जो भी पिक्सल डेंसिटी आपको अच्छी चाहिए, तो आप नोकिया के ऊपर जा सकते हैं। तो और दोस्तों, अगला जो मेन कॉन्ट्रोवर्सी है वो मित्रो ऐप के ऊपर। मित्रो ऐप के ऊपर अभी क्या किया कि गूगल ने मित्रो ऐप को अपना प्ले स्टोर से हटा दिया है। इसका एक रीजन है कि प्राइवेसी के लिए। तो दोस्तों, जो मित्रो ऐप है एक्चुअली ये क्या किया गया है, सबसे पहले जो टिकटॉक था एक अपना प्राइवेट कंपनी है जो पाकिस्तान की है, वो क्या करती है कि कोडिंग बेचती है। ओके, उसने क्या किया, जो टिकटॉक का कोड था, जो कोडिंग थी, उसको एडिट करके उसने एक टिक टिक करके एक ऐप बना दी। ओके, तो वो टिक टिक का क्या किया इन्होंने, वो टिक टिक बेसिक सेम ही वैसे जैसा अपना टिकटॉक था वैसा ही था, वो पाकिस्तानी ऐप थी। तो फिर क्या किया, वो टिक टिक ऐप का वो पूरा कोडिंग चेंज करके इन्होंने मित्रो बना दिया। मतलब कि जो सोर्स कोड होता है, जो पीछे कोडिंग होती है कोई भी ऐप बनती है, तो उसके सेम तरीके से उन्होंने मित्रो बना दिया। और मित्रों के पीछे ऐसा कोई भी प्राइवेसी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। जैसे बंदा मित्रों ऐप इंस्टॉल करेगा, वो बहुत सारे आपको प्राइवेसी के लिए बहुत सारे परमिशन सब पूछेगा कि मेरे को कैमरा का परमिशन चाहिए, माइक्रोफोन का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अपना गैलरी का परमिशन चाहिए। वैसे बहुत सारे ऐप ऐसे परमिशन मांगते हैं, बट उनके पीछे वो प्राइवेसी होती है, जो दायवा करती हैं अपनी, जो भी बाधा करती हैं अपनी ऐप की, हम आपकी प्राइवेसी को सही रखेंगे, हम ऐसे कहीं भी लीक नहीं होने देंगे। बट मित्रों ऐप था, उसके पीछे कुछ भी नहीं था। तो ऐसे करके इन्होंने जो गूगल ने मित्रो ऐप को अपनी प्ले स्टोर से हटा दिया है। तो अभी मेन क्या हुआ है कि मित्रो ऐप गूगल ने ऑलरेडी जो इसका डेवलपर है मित्रो ऐप का, उससे बात की है, तो उनको कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कहा है, उनको बताया कि अगर आप ये रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, प्राइवेसी की ओर ध्यान दोगे, तो आपको दोबारा ये थोड़ा आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम फॉर्मेट टिक टिक का सेम फॉर्मेट है, उसके बाद टिकटॉक है जो उसका भी सेम फॉर्मेट है, तो आपको थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, तो दोबारा आप मित्रो ऐप जो है प्ले स्टोर पे देख सकोगे। तो हो सकता है कि ये मित्रो ऐप दोबारा वापस आ सकती है। तो दोस्तों, जो उसके आगे वाला टॉपिक है वो बात है, ये देखिए, ये है रिमूव चाइना ऐप। तो ये भी गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। तो ये ऐप क्या करती थी, इसके बारे में आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ।
ये ऐप अपना प्ले स्टोर पे थी। आपको पता है कि इससे पहले बहुत सारे ऐसा हुआ था कि चाइना के साथ, इंडिया के चाइना के साथ इशू हो गया था, जैसे कि जो वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है उसके कारण भी थोड़े हो रहे हैं। तो उसमें क्या था कि जो मोदी जी ने ऑलरेडी बोला था कि आपको अपने देश के जो भी है हमको उस वो ही ऐप यूज करने होंगे, अपने देश में हमको कुछ भी है तो वो डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए लोगों ने क्या किया कि एक ऐप बना दिया। तो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी वो चाइना ऐप के लिए बहुत सारा गुस्सा था कि वो उन्होंने इंस्टॉल करके रखे थे कि हम चाइना के ऐप क्यों इंस्टॉल करके रखे, हम अपनी कंट्री के इंस्टॉल करते हैं। तो एक ऐप बनकर आई गूगल प्ले स्टोर पे, जिसका नाम हो गया रिमूव चाइना ऐप। ओके, तो ये ऐप क्या करती थी, जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हो, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद क्या होता था कि ये आपके जितने भी चाइना के ऐप है वो शो करती थी। जैसे टिकटॉक हो गया, अपना टिकटॉक हो गया, शेयरइट हो गया, जूसी ब्राउजर हो गया, ऐसे जितने भी ऐप थे वो सामने लेके आती थी, और जैसे आप टच करते थे वो पूरे ऐप अनइंस्टॉल हो जाते थे। तो ऐसा ये ऐप करती थी। और फिर ऐसा क्या किया, जो प्राइवेट कंपनी है जैसे टिकटॉक होगी, अपना टेंशन का टिकटॉक वो वाली कंपनी होगी, शेयरइट, उन्होंने किया कि ये ऐप कोई भी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे ऐसा नहीं कर सकती कि किसी ऐप को वो रिमूव करे, या किसी की पॉइंट आउट करके कोई ऐसा ऐप हो कि भाई ये मेरा ऐप है आप इसको इंस्टॉल करो, जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो दो दूसरे ऐप है वो रिमूव हो जाए। तो ये बिल्कुल ही एक गलत तरीका था। तो ये कारण था मेन कि गूगल ने इसको अपने प्ले स्टोर से हटा दी। तो ये बस, ये तो जो आपको मैंने अभी बताया है यही है बस लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी जो चल रही है और लेटेस्ट अपडेट है। एक तो नोकिया का टीवी आने वाला, मैं जहाँ तक लग रहा है कि हो सकता है ये बिल्कुल अच्छा टीवी हो, क्योंकि ऑलरेडी हम नोकिया पे बहुत सारा बिलीव करते हैं, ये कंपनी पे बहुत पहले की ये कंपनी है, पहले हम इसके मोबाइल यूज करते थे तो बहुत अच्छा हार्डवेयर होता था, उसके साथ में रियलमी के भी आप देख सकते हैं टीवी, वो भी साथ में है, तो थोड़ा कॉम्पिटिशन हो सकता है रियलमी का और नोकिया का। तो ऑलरेडी जो अपना शोमी का जो मी कंपनी के टीवी है वो तो ऑलरेडी अच्छे से लोग यूज कर रहे हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं है, वो तो भी चाइनीज कंपनी है। तो ये सब कुछ हमको देखना पड़ेगा। तो बस यही है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं, र्यूमर्स है। तो दोस्तों जो आपने देखे बस यही, अभी तक फिलहाल जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हो रही है, लेटेस्ट अपडेट है, तो यही है बस। तो थैंक यू। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जो मेरी वीडियो? अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है, आपके माइंड में जो आपको ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे को वो भी पूछें आप कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।